हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अवर एजुकेशनल चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बोल सकते हैं काफी ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक, जो कि आजकल हमारे पास बोल सकते हैं इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट में काफी ज्यादा यूज हो रहा है, जिसका नाम है लॉगरिथमिक। यहां पर हम लॉगरिथमिक के बेसिक यूज और बेसिक फॉर्मुलाज देखने वाले हैं, जिसको हम बहुत सारे यूज में बोल सकते हैं। काफी ज्यादा खून भी हुआ इस टॉपिक ने, पता है कैसे? हम 9 चैप्टर कर रहे हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके हर क्वेश्चन के लास्ट में लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट आ जाता है। स्टूडेंट को क्लियर कॉन्सेप्ट सही से नहीं हो पाता है, तो लॉगरिथमिक के कॉन्सेप्ट को यहां पर अच्छे से क्लियर कर देते हैं, देन हमारे पास इसकी जो भी प्रॉब्लम है ना वो सब आना बंद हो जाएगी। तो मैंने यहां पर कुछ 8 प्रॉपर्टीज लिखी है, 2 प्रॉपर्टीज और है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। पहले इन 8 प्रॉपर्टीज को अच्छे समझते हैं, बाकी 2 को भी समझ लेंगे अच्छे से। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट की 9 और 10 प्रॉपर्टी काफी ज्यादा यूज में होने वाली है। सो पहले इन बेसिक प्रॉपर्टीज को देखते हैं ना वन बाय वन। सो सभी प्रॉपर्टी को वन बाय वन समझते हैं अच्छे से। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, लॉग एम प्लस लॉग एन। ध्यान रखना बेस में ई है, जहां पर बेस में ई नहीं भी लिखा है तो आप समझ जाइएगा ई है। ई का मीनिंग होता है एक्सपोनेंशियल, जिसकी वैल्यू 2.3 अप्रोक्स होती है, जो हम सेपरेट टॉपिक में एक्सपोनेंशियल के कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बात करते हैं लॉग की, तो उसे रीड कैसे करते हैं, लॉग एम बेस ऑफ ई। लॉग एम बेस ऑफ ई, जब भी लॉग प्लस में लिखा रहेगा तो उसके कॉन्सेप्ट को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। सपोज दैट, फॉर एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से देखना है। कहीं मेरे पास लिखा हुआ आ गया लॉग 2 प्लस लॉग 3। सो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सो जब भी लॉग प्लस में होगा तो कहां लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। सो क्या लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, जो कि क्या हो जाएगा, लॉग 6 हो जाएगा। बहुत इजी से अच्छे से समझ सकते हैं, कुछ ज्यादा खास तो है ही नहीं इसमें ना, मतलब ये तो आसान था। ऐसे अगर आप माइनस वाले की बात करें तो माइनस वाला अपॉन में आ जाएगा। सेम ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मेरे पास लिखा है लॉग 4 माइनस लॉग 2, सो बहुत अच्छे समझ में आता है माइनस वाला लॉग कहां था, अपॉन में। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। सो लॉग हमारे पास आएगा 4 अपॉन 2, विच इज वॉट, लॉग 2, 2 2 जब 4 होता है ना। सो कितने अच्छे से दोनों प्रॉपर्टी तक क्लियर हो गई। थर्ड वन देखते हैं, यहां पर अगर लॉग की बेस वैल्यू बोल सकते हैं, यहां पर बेस वैल्यू तो ई है, लेकिन हमारे पास ए की पावर एक्स है। लॉग में क्या है, कोई भी आ जाए, एक्स की पावर एम आ जाए। सो ध्यान रखना है, मेरी छोटी सी अपनी सॉफ्ट लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, लॉग अपनी वाली पावर को ना आगे फेंक देगा। जो भी हमारे पास लॉग एक्स की पावर एम है ना, तो एम आगे आ जाएगा हमारे पास, लॉग एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ भी लिखा रह सकता है यहां पर। जैसे कि यहां लिखा रहेगा एक्स की पावर 3, सो यहां पर 3 लॉग एक्स हो जाएगा। सो ध्यान रखेंगे आप, इस तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा यूज हुए हैं हमारे पास। कोई भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, y की पावर 4, बेस तो हमारे e ही रहेगा हर क्वेश्चन में। ध्यान रखना है, जहां पर सेपरेटली डिफरेंट ना बेस होगा तो वो मेंशन कर देंगे, वैसे नहीं भी लिखा हो तो समझ जाएंगे ए लिखा हुआ है। सो पावर आगे आ जाएगी, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये बी और बी सेम मिल रहे हैं, ए और ए सेम मिल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लॉग एक्स लिखा है, बेस क्या, ई, मल्टीप्लाई में लॉग एक्स लिखा है, ये मेन वैल्यू ई है। So, यहाँ पर बेस देखो एक्स है, यहाँ पर मेन वैल्यू एक्स है, यहाँ पर बेस ई है, यहाँ पर मेन वैल्यू ई है। ऐसे कॉन्सेप्ट में इस कॉन्सेप्ट की मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है हमारे पास, ये भी काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। मैं बोल देखो आप बहुत अच्छे सुनिएगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली प्रॉपर्टी की है, और एक 9-10 जो कराऊंगा वो है। ये प्रॉपर्टी कैसे है मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास बेस ई, बेस ए और बी लिखा हुआ है हमारे मेन में, तो लॉग पढ़ेंगे किस तरीके से, लॉग बी बेस ऑफ ए। So, इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, और ये देखिएगा, कोई भी डिफरेंट बेस, जैसे ई की मुझे नीड है, सो ऊपर मेरे पास क्या है, बी है, सो ऊपर बी लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, बेस में क्या है, ए, सो ऐसे लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखना है आपको। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इसे भी बताऊंगा, और एक चीज और भी ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आने बाद चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, बेस वैल्यू मेन वैल्यू में और मेन वैल्यू बेस वैल्यू में। इन सभी कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। देखो ये दोनों बेस और मेन सेम है ना, सो ए नीचे है और बी ऊपर, सेम वही वाली बात है। इसको भी आप समझ सकते हैं, देखो ए नीचे है बी ऊपर है, लेकिन एक बेस वैल्यू एक मेन वैल्यू दोनों सेम है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं, सेम प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट आपके पास आ सकता है तो आप ध्यान रखेंगे अच्छे से किस तरीके से प्ले करना है ना। कोई भी एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, लोग में बेस मान लेते हैं 10 है आपके पास और यहाँ पर 4 है, सो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो नीचे वाला नीचे और ऊपर वाला ऊपर, बहुत अच्छे से 10 है ना, सो 10 ऊपर क्या है 4। ठीक है, बेस आप कोई भी डिफरेंट ई ले सकते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर में आने के बाद क्या हो जाएगा, मैंने बताया था लॉग 10 है ना, तो लॉग ई हो जाएगा, लॉग ई, और बेस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब ये प्रॉपर्टी आपको यूज करना आ गए होंगे अच्छे से। अब देखते हैं अपनी जो हमारे पास 6 प्रॉपर्टी है ए बी, ये तो यही प्रॉपर्टी जो मैंने बताया आपको डिनोमिनेटर वाला, ये है अपॉन मारी और उल्टा हो जाएगा, ए बी में तो बी ए में आ जाएगा। मतलब ऐसे कोई भी हो सकता है ना एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास यहाँ देखो, पहले आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आता है, लॉग 3 बेस ऑफ 2, तो इसे चेंज कर सकते हैं कैसे, लॉग 2 बेस ऑफ 3, मतलब चेंज हो जाएंगे अपॉन में आने के बाद। ठीक है,
अपॉन में आने के बाद एक दो एग्जांपल और लें, अगर यहाँ पे लिखा है ई एक्स, सो अपॉन में आने के बाद क्या हो जाएगा, बेस एक्स हो जाएगा और मेन वैल्यू ई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपॉन में आने के बाद चेंज हो गई चीज, छोटी मोटी ध्यान रखना है। एक और चीज है, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर लॉग में मेरे पास मेन वैल्यू और बेस वैल्यू दोनों सेम हो जाए, उस केस में वैल्यू क्या होगी लॉग की, वन होगी। जैसे कि लॉग एक्स, बेस में भी एक्स है सो वैल्यू वन, ज्यादातर यूज क्या होता है लॉग ई की वैल्यू वन, क्यों, क्योंकि उसका बेस भी ई होता है, तो ये चीज ध्यान रखना, काफी ज्यादा यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। टेन वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने यहां लिखा हुआ है, लॉग टेन लिखा और बेस भी टेन है सो वैल्यू वन होगी, चीज ध्यान रखना है। लास्ट वन क्या है भाई, एट प्रॉपर्टी, फिर अपनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे, लास्ट भी बिल्कुल इजी है। देखो बेस ए है, सॉरी ए की पावर लॉग ई बी ए, तो हमारे पास पावर चेंज हो जाएगी, बी की पावर लॉग ए हो जाएगी, सो ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट भी इजी है, थोड़ा कम यूज होता है लेकिन फिर भी मैंने मेंशन कर दिया है। अब देखते हैं इन पार्ट को इरेज करके प्रॉपर्टी नंबर 9 और 10 क्या है, 9 और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। सो प्रॉपर्टी नंबर 9 और 10 देखते हैं, मैंने आपको बताया था 9 वीडियो में बोल सकते हैं, 10 की 10 प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होने वाली और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली प्रॉपर्टी है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली भी तो यूज होगी, तो सबसे ज्यादा ऑब्वियस बात है ना कि इंपॉर्टेंट भी हो जाएगी। सो मेरे पास देखो लॉग बी ए इक्वल टू एक्स है, प्रॉपर्टी को बहुत आराम से पेशेंस से समझेंगे, बेस में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, मेन वैल्यू ए है इक्वल टू एक्स है, हमने इसे प्रिपेयर कैसे की हुई है, काफी क्वेश्चन मैंने यूज किया हुआ है, जो बेस में ना मेरे पास ये चीज ध्यान रखना, बेस में जो भी होगा वो इक्वल वाले को अपनी पावर बना लेगा, सो बी की पावर एक्स इक्वल टू ए, समझ में आ गया, अभी समझ में नहीं आया मजा भी आना चाहिए ना समझने के साथ साथ। सो यहाँ पर देखो इसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन लिखे जो अप्लाई करेंगे और आपको बिल्कुल सेटिस्फाई कर देंगे ये सभी क्वेश्चन। सामने वाला बेस जो है ना इक्वल वाले को अपनी पावर बना लेगा, सो बी की पावर एक्स इक्वल टू वन, आई होप सो थोड़ा बहुत और क्लियर हुआ होगा, बेस वाला सामने वाले को अपनी पावर बना लेगा, सो 12 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, और ये तो हमें पता ही, जिसकी भी पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है, सपोज कैसे, और भी एग्जांपल ले सकते हैं ना यहाँ पर, तो क्यों लॉग 4 1 इज इक्वल टू 0, सामने वाला बेस जो है सामने वाले को अपनी पावर बनाएगा, सो 4 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो सेटिस्फाइड है बिल्कुल, ओके है बिल्कुल, ये तो हमें पता भी पहले से ही, क्लियर हो गया थोड़ा सा और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट, एग्जांपल देखो कितने है ना कॉन्सेप्ट को कितना क्रिस्टल क्लियर कर देते ना। सेम यहां पर देखते हैं, बेस सामने वाले को अपनी पावर बुला लेगा, सो 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4, और 4 की पावर 1 4 ही होता है, कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं जरूरी नहीं है, 5 ले सकते हैं, सामने वाले को अपनी पावर बुलाएगा, 5 की पावर 1 5 ही होता है, सो क्लियर हो गया लॉगरिथम के ये वाला कॉन्सेप्ट भी। लास्ट वन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है, 10 की बेस क्या हमारे पास 10 है, 10 इक्वल वाले क्या बनाएगा अपनी पावर बुला लेगा, सो 10 की पावर 3, वैसे 10 की पावर 3 यूजुअली होता क्या है, 1000 ही होता है ये तो हमें पता ही है। तो एक चीज और, हम प्रॉपर्टी को समझ ही रहे हैं ना, मतलब हमने एंटी लॉग वाला कॉन्सेप्ट किया, हम लॉगरिथमिक को एक तरीके से ये चीज को ना डिफरेंट तरीके से भी समझ सकते हैं, और देखो ये चीज ना पूछ भी सकते हैं स्टूडेंट कि सर 10 की पावर 3 को 1000 लिख सकते हैं लेकिन वापस इसे लॉग लेकर कैसे ये वाली फॉर्म आएगी, ऑब्वियसली बात है जब इससे ये वाली स्टेप आ गई तो इससे तो ये वाली स्टेप भी आ सकती है, सो बच्चे तो पूछ सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, तो इसलिए इससे ये कॉन्सेप्ट आया तो इससे ये कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, थोड़ा सा एक दो लाइन का बोल सकते हैं, स्टेप्स ज्यादा हैं तो अच्छे से आप समझ भी सकते हैं कि कैसे आया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड है ना, फिर क्या होगा हमारे पास ये वाले कॉन्सेप्ट को हम लाकर दिखाते हैं जिससे कि लॉग की प्रॉपर्टी को आपको प्ले करना आ जाएगा। सो लॉग हमने लेफ्ट में भी लिया ठीक है, राइट में भी लेंगे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बताया था जहां पर लॉग नॉर्मल होता है उसके बेस क्या होता है ई होता है, प्रॉपर्टी लगाना शुरू करो, सबसे पहली थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताई थी, लॉग अपनी पावर को सबसे पहले आगे फेंक देगा, चलो जी कोई बात नहीं, इक्वल टू सेम कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमने लॉग की प्रॉपर्टी अभी सब पढ़ी है, बेसिक प्रॉपर्टी चल रही है सब। एक प्रॉपर्टी और बताई थी अभी मैंने फिफ्थ नंबर पर, देखो जो डिनोमिनेटर में है नीचे वाला नीचे और ऊपर वाला ऊपर, सो 10 ऊपर क्या है 1000, और यही चीज तो आई थिंक क्वेश्चन था, मतलब फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया, मजा आ गया बिल्कुल अच्छे से ना, तो 9 प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई ना। अब देखते हैं 10 प्रॉपर्टी जो कि बहुत ज्यादा इजी है, देखो क्या लिखा हुआ है, अगर लॉग की बेस ई होता ही है और ई की पावर में लिखा है तो ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे को बोल सकते हैं डिलीट कर देते, शहीद कर देते, खत्म कर देते बिल्कुल ही, सो ये खत्म सिर्फ एक्स स्क्वायर आंसर। इसके एक दो एग्जांपल यहां पर लिख ले, देखो जैसे कि ई की पावर लॉग एक्स लिखा है सो उसकी वैल्यू एक्स होती है, क्यों, इसका बेस भी ई और ई कैंसिल हो जाता है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक को कैंसिल करता है, जैसे कि आपने यहां पर भी देख लिया होगा, सो एक्स वैल्यू आती है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं आपके सामने, कुछ भी लॉग 4 लिखा हुआ है और ई की पावर में लिखा हुआ है सो उसकी वैल्यू 4 होगी, क्योंकि बेस भी ई है पावर में लिखा हुआ है कैंसिल हो जाएगा। होप सो 10 प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, 9 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज की वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो अच्छे लगे, कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूला, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे अच्छे अच्छे नोट्स अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।